वहीं मध्य प्रदेश में भोजशाला के बाद विदिशा में मंदिर मस्जिद का विवाद गरमा चुका है। नागपंचमी के मौके पर हिंदू संगठनों ने बीजा मंडल में पूजा की अनुमति मांगी, लेकिन प्रशासन ने ढांचे को मस्जिद बताकर के अपील खारिज कर दी। मैं आपको इधर दिखाता हूं ग्राफिक के जरिए कि बीजा मंडल में मंदिर के 10 साक्ष्य कौन कौन से हैं, और इन्हीं प्रमाणों को सामने रख करके हिंदू संगठनों ने प्रशासन के इस फैसले खिलाफ संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को ले जाने की चुनौती दी। रिपोर्ट कर ये तो कलेक्टर साहब बुद्धि तो सोचा कि मस्जिद में मूर्तियां रखाती हैं कि मंदिर में मूर्तियां रखती हैं। और पहले मंदिर था। अच्छा मंदिर था। औरंगजेब ने मस्जिद बना दी। और क्या था ये? पुलिस फोर्स तैनात है। छावनी में तब्दील हो चुका बीजा मंडल मंदिर और मस्जिद के तनाव से गर्म है। जिस इमारत में हिंदू देवी देवताओं की हजारों मूर्तियां मौजूद हैं, जिस ढांचे की एक एक दीवार हिंदू धर्म की गवाही दे रही है, उस बीजा मंडल को प्रशासन ने मस्जिद करार दे दिया है और अब यहां से दंगल की आहट सुनाई दे रही है। मस्जिद शब्द विजय मंदिर के आगे बीजा मंडल के आगे लिखा रहे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब आज हिंदू संगठनों ने नागपंचमी के मौके पर प्रशासन से यहां पूजा अर्चना की अनुमति मांगी, लेकिन जिला प्रशासन ने हिंदू पक्ष की मांग खारिज कर बीजा मंडल खोलने से इनकार कर दिया। एक कलेक्टर विदिशा को कॉल जा रहा है, हम भी जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो बीजा मंडल को लेकर पूजन से रोका है, जो हवाला दिया है कि आप पूजन करेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। रिंग जा रही है, इंतजार है कलेक्टर से बातचीत का। बार बार विदिशा कलेक्टर को मैंने ट्राई किया, कॉल किया, बातचीत नहीं हो पा रही है। आम आदमी की कैसे बात होती होगी कलेक्टर महोदय से, कलेक्टर रिस्पॉन्स नहीं करते। दरअसल जिला प्रशासन ने अपने फैसले में ASI की रिपोर्ट का हवाला दिया। फिलहाल ASI इस ढांचे का संरक्षक है, जिसने 1951 गजट अधिसूचना में बीजा मंडल को मंदिर की बजाय मस्जिद बताया है। ASI और जिला प्रशासन के इस फैसले पर हिंदू पक्षों ने कड़ा एतराज जताया है। AIC के दस्तावेजों में दर्ज है वो मस्जिद शब्द, कलेक्टर या जिला प्रशासन के पास दर्ज नहीं है। तस्वीरों के बाद मुझे एतराज है क्योंकि वो मंदिर नजर आ रहा है, मूर्तियां हैं, वो तो मंदिर है ही, नजर क्या आ रहा है, स्पष्ट से मंदिर है वो तो। हिंदू पक्ष मंदिर की इस लड़ाई को संसद से लेकर कोर्ट तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय इस विवाद से दूरी बना रहा है और दावे की इस लड़ाई को हिंदू पक्ष वर्सेस प्रशासन बता रहा है। जहाँ तक हिंदू हजरात का बात है तो मध्य प्रदेश सरकार ने उसको पुरातत्व विभाग को सौंप दी गई है। अब ये सरकार की और उनकी लड़ाई है, इसमें मुसलमानों का कहीं से कहीं तक कोई मामला नहीं है। इतिहासकारों के मुताबिक इस मंदिर में जो कलाकृति है उसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं, भगवान की अलग अलग मूर्तियां हैं और इस मंदिर को कोणार्क के सूर्य मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। यष्टमुखी है जिसमें चार द्वार है। इस मंदिर को 13वीं सदी से 17वीं सदी तक कई बार विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ा। तो इस पर पहली बार जो हमला हुआ है, तोड़फोड़ हुई है, वो 1233-34 में इल्तुतमिश के शासन में, और इल्तुतमिश ने यहाँ तोड़फोड़ भी की, यहाँ की मूर्तियाँ ले जाकर दिल्ली भी कुछ मूर्तियों को ले गया। आखिरी बार 1682 में मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर बीजा मंडल को तोपों से ध्वस्त किया गया और उसने यहाँ मस्जिद बनवाई। आजादी के बाद हिंदू पक्षों ने मंदिर की मांग को लेकर आंदोलन किया। हिंदू मुस्लिम विवाद को बढ़ता देख सरकार ने इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया। और जो प्रतिमा है वो क्लैरिटी से बता रही है, शासन के रिकॉर्ड में विजय मंदिर है तो फिर क्यों मस्जिद लिखा जा रहा है। ये और देखिए ये कलाकृति, आपको ये भारतीय प्राचीन धरोहर आपको नजर आएगी इस मंदिर में। बीजा मंडल परिसर में पूजा पाठ की अनुमति न मिलने के बाद हिंदू संगठनों ने परिसर के बाहर ही नागपंचमी मनाने का ऐलान कर दिया। पूजा अर्चना के दौरान किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से बीजा मंडल में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। लेकिन फिलहाल विवाद थमने के आसार नजर नहीं आ रहे। प्रमोद तिवारी, बीजा मंडल, Zee Media।